146 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी समेत घटक दलों के सभी बड़े नेता। जंतर मंतर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर प्रहार, बोले लोकतंत्र को खत्म कर रही है सरकार। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अध्यादेश को फाड़ने वाले सिखा रहे हैं लोकतंत्र का पाठ। राहुल गांधी ने सुरक्षा चूक मामले पर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, सुरक्षा कांड को बेरोजगारी से जोड़ दिया, पूछा संसद में कैसे घुसे युवक, घुसपैठ होते अगर घुसपैठिए होते तो सबने देखा उन्हें। रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट जाने से पुलिस ने रोका, झड़प हुई, मोदी योगी के विरोध में नारे। देश के कई बड़े हिस्सों में इंडिया गठबंधन का आक्रोश, चंडीगढ़ में हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया, लखनऊ पटना में विपक्ष ने नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकी हमला हुआ, फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए, 3 सैनिक जख्मी है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश तेज, सटीक लोकेशन के लिए ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद, सेना ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर रखी है, एनआईए की टीम भी पहुंच गई है जांच के। राजौरी आतंकी हमले की जैश ए मोहम्मद से जुड़े संगठन पीएएफएफ ने जिम्मेदारी ली है, कुछ स्थानीय संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जम्मू में राजौरी आतंकी हमले के खिलाफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए। आतंकी हमले पर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए, पूछा आगे क्या सरकार फिर पुलवामा जैसी घटना पर वोट मांगना चाहती है। आतंकी हमले पर दिए संजय राउत के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह बोले कि बाबा बाला साहेब होते तो उन्हें समंदर में फेंक देते। संसद में सुरक्षा कांड के मास्टरमाइंड ललित झा की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई, अदालत ने आरोपी की पुलिस रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी। बिहार के दरभंगा में संसद घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए, ललित झा को पोस्टर में क्रांतिकारी योद्धा बताया गया। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग पर बीजेपी का वार सामने आया, कहा कि क्राउड फंडिंग के नाम पर धीरज साहू जैसे लोगों के पास जो काला पैसा है उसे सफेद करने का नाटक है। मिशन लोकसभा में जुटी है बीजेपी, दिल्ली में आज से पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक है, थोड़ी देर में पीएम मोदी मीटिंग को संबोधित करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है, उम्मीदवार चयन के लिए 1 हफ्ते में स्क्रीनिंग कमेटी बनी। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबर पर लालू यादव ने सफाई दी, कहा नीतीश और हम नहीं है नाराज। नाराजगी की खबरों के बीच राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में नीतीश की अहम भूमिका हो सकती है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इंडिया गठबंधन को बताया मजबूत गठबंधन, कहा सभी राज्यों में सीट बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। बीएसपी को लेकर सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया, कहा इंडिया गठबंधन की बैठक में मायावती पर हुई चर्चा, यूपी में हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी और बृजमोहन अग्रवाल समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, साक्षी ने टेबल पर अपने जूते रखकर नम आंखों से खेल से विदाई। पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा बेटियों के अपमान पर मौन है पीएम, केंद्र सरकार से बेटियों को न्याय नहीं मिला। देश भर में कोरोना की बढ़ने लगी है रफ्तार, 24 घंटे में 328 नए केस आए हैं सामने, केरल से आए हैं सबसे ज्यादा मामले सामने। गोवा में नए साल के सेलिब्रेशन पर कोरोना ग्रहण लग सकता है, व्यवसायियों को इस बात की चिंता सता रही है, गोवा में कोरोना के 23 एक्टिव केस मिले। हैदराबाद की 4 मंजिला इमारत में आग लग गई, दरवाजा तोड़कर ट्रैफिक कांस्टेबल ने घर में फंसे 5 लोगों की जान बचाई। यूपी के गोरखपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, ओवरटेक करने के दौरान स्कूल बस पेड़ से टकराकर पलट गई, 1 बच्ची की मौत हो गई, करीब 20 बच्चे घायल हुए।